तो ये रहा मेरा बेड, बेड नंबर 8। ये पर नाइट मुझे कुछ 35 pounds का मिला। आज घूमने वाले ग्लासगो सिटी। अरे तरीका, लंच करने के लिए बढ़िया। मुंबई वाला डब्बा का छोटा पोर्शन 1000 rupees। ग्लासगो नेक्रोपोलिस के हिल पे है, हम लोग जा रहे हैं 7 Loch Lake। अभी हम अंदर जा रहे हैं यूनिवर्सिटी के, और हैरी पॉटर का जो सेट है। तो फाइनली मंदिर पहुंच चुके हैं। अभी देख लो भाई, यहाँ के नाइट लाइफ, स्ट्रीट फूड बोलते हैं ना, वैसे हम लोग अभी स्ट्रीट पे इधर का स्पेशलिटी फिश एंड चिप्स खाने जा रहे हैं। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। और ये व्लॉग सीरीज है अबाउट द यूनाइटेड किंगडम। टू द सिटी स्ट्रीट्स वी बिगन टू फील द फायर, वी राइज लाइक टॉल बिल्डिंग्स एज़ द केमिकल्स दे टेक अस हायर। The night's young, it has just begun, as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, every shot from the top. हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अर न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग हम लोग शुरू कर रहे हैं ग्लासगो से। अभी सुबह के बजे है 10:30। तो कल के व्लॉग में आपने देखा कि मैं बहुत मुश्किल से ग्लासगो में पहुंचा, बस बंद हो गई थी, ऊपर से वो लेट थी, उसके बाद 3-4 बसेस करके मैं यहाँ पे पहुंचा, और बहुत लेट हो गया था यार। तो त्रिकाल भी रुक नहीं पाया, लेकिन उसने मेरे लिए एक उबर टैक्सी बुक की थी, और भाई पहली बार मैं मर्सिडीज़ बेंज में बैठा, वो भी टैक्सी में। तो वैसे तो राइड 5 minutes की थी, लेकिन उन्होंने चार्ज किया था कुछ 7 pounds 750-800 rupees। तो हाँ, राइड काफ़ी कंफर्टेबल थी। और उसके बाद मैं यहाँ हॉस्टल में आया हूँ, और ये एक्सपीरियंस भी मेरे लिए बहुत नया है। और स्टार्टिंग में कल रात को थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, क्योंकि भाई देखिए, यहाँ पे 8 रहते हैं, वो भी छोटे से रूम में, एक डॉर्मेट्री है। ये पर नाइट मुझे कुछ 35 pounds का मिला। तो मैं यहाँ पे 2 रुकने वाला हूँ। बाथरूम वगैरह काफ़ी अच्छा है, 8 के लिए कॉमन है, क्लीन था, लोग भी अच्छे ही, मतलब मुझे अभी तक पता नहीं चला। यहाँ पे एक बंदे से मेरी दोस्ती हुई, वो इजिप्ट से, तो कुछ बातें वगैरह हुई। तो यहाँ पे हॉस्टल्स में रहने का ये एक फ़ायदा है कि आप लोग बहुत अलग अलग देशों के लोगों से मिलते हो, और उनसे जान पहचान होती है, बात करते हो, कुछ नया सीखने मिलता है। तो बाकी देखते हैं कि आगे का एक्सपीरियंस कैसे होगा। आज घूमने वाले हैं ग्लासगो सिटी, अभी त्रिकाल आने वाला है, तो आप लोगों को उससे मिलाता हूँ, और फिर दोनों मिलके घूमते हैं। तो ये रहा मेरा बेड, बेड नंबर 8। ऐसे 8 है यहाँ पे, देख सकते हैं। लॉकर्स भी है उधर, लेकिन वो पेड होते हैं, और कुछ ज़रूरत नहीं होती वैसे, लोग अच्छे होते हैं, कुछ चोरी चकारी तो नहीं करते, ऐसे सुनने में आया। बाहर का व्यू देख सकते हो आप लोग, आज स्काई क्लियर नहीं है, लेकिन बारिश हुई नहीं है, सुबह से दिख रहा है कि रोड वगैरह एकदम सूखे हैं। तो आज घूमने में मज़ा आएगा शायद। तो इस बेड में आपको मिलता है ऑब्वियसली एक पिलो, एक डूवे, अपना क्लीन बेडशीट है, सब कुछ क्लीन था मैं जब कल आया। बाकी एक लैम्प होता है, और पावर के लिए एक स्विच बोर्ड, वहाँ पे फ़ोन वगैरह आप चार्ज कर सकते हो। और ये कर्टन्स भी होते हैं प्राइवेसी के लिए, अगर आपको यूज़ करना है। आपको बाथरूम भी दिखा देता हूँ, काफ़ी अच्छा है बाथरूम, स्पेशियस है, बस दिक्कत ये है कि शेयरिंग वाला है, तो 8 शेयर करेंगे उसको, लेकिन मैं जब गया था, मैंने जब यूज़ किया, काफ़ी क्लीन था। तो टॉयलेटरीज वगैरह नहीं थे यहाँ पे, टॉवल्स वगैरह, तो वो सब हमें खुद लाना है। और दिखा दूँ आपको बाथरूम, देख सकते हो काफ़ी स्पेशियस है, और ये हाउसकीपिंग ने अभी क्लीन किया है, वैसे क्लीन ही होता है, अभी थोड़ा ज़्यादा क्लीन लग रहा है क्योंकि जस्ट साफ किया है। और गर्म पानी वगैरह की कभी दिक्कत नहीं होती यहाँ पे, मैं जब धर्म में भी रुका था तो वहाँ पे भी गर्म पानी अवेलेबल था। तो यहाँ पे हर एक बिल्डिंग में एक बॉयलर होता है, और वो बॉयलर का पानी देखिए आप देख सकते हैं, ऐसे हीटर्स होते हैं हर एक रूम में, यहाँ से पानी फ्लो करता है और ये रूम को वार्म रखता है।
तो यहाँ पे ये सिस्टम है और काफी अच्छा है, तो गर्म पानी की दिक्कत नहीं होती कभी। A few minutes later. अरे त्रिकाल, सो फाइनली आई एम आउट ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ ग्लासगो। और भाई त्रिकाल भी आ चुका है अपने को यही घुमाने वाले अभी दो दिन, बहुत एक्साइटमेंट फील हो रही है। और अभी क्या प्लान है भाई अपना? अभी हम जा रहे हैं लंच करने के लिए, बढ़िया रेस्टोरेंट का नाम है मोगली। एक लैम का डिश ऑर्डर किया है और ये 10 pounds का है, राइट? तो 10 pounds के हिसाब से भाई छोटा मुंबई वाला डब्बा का छोटा पोर्शन 10 pounds, दैट मीन्स 1000 rupees। और भाई 1000 के क्या, ये प्लेट्स भी आप देख सकते हैं स्टील के। और ये भाई एक ब्रेड, what is this? Ghee bread. It's a ghee naan, yes. Ghee naan. What kind of naan is this? I don't know. But this one piece is for 2 pounds. 200 rupees. और भी हम लोग ने मंगाया क्योंकि इसमें तो हम लोग का होने वाला है नहीं। इसके बाद भाई हम लोग ने जीरा राइस, ये गोवन फिश करी। तो अभी पता चला है कि ये ग्लासगो का सबसे बिजिएस्ट स्ट्रीट है। क्या नाम है भाई? सॉकी हॉल स्ट्रीट। सॉकी हॉल स्ट्रीट। सॉकी हॉल स्ट्रीट। तो भाई अभी रेस्टोरेंट से हम लोग निकल गए हैं और निकलते ही बारिश शुरू होने लग गई है, तो थोड़ा मूड ऑफ हो रहा है, लेकिन हम लोग देख के ही रहेंगे ग्लासगो सिटी। तो भाई अभी किधर आ गए हैं? कुछ बोल रहा था इसके बारे में। तो अभी हम लोग है ग्लासगो के सिटी सेंटर वाला सबसे अफोर्डेबल रेस्टोरेंट कॉल्ड वेदरस्पून्स द काउंटिंग हाउस, एंड इट इज जस्ट नेक्स्ट टू द सिटी सेंटर। सिटी सेंटर के जस्ट बगल में ये सिटी सेंटर है, इसका नाम है जॉर्ज स्क्वायर, जहाँ से सिटी की शुरुआत हुई और उसके बाद मार्केट्स डेवलप हुए। ओके, ये वो स्पॉट है। वहाँ पे कुछ तो चालू है। तो क्या क्या भाई, क्या लग रहा है, क्या है? अभी हो रहा है शायद कुछ प्रोटेस्ट अबाउट अ सिटी काउंसिल मीटिंग डिसीजन। चलो देखते हैं भाई क्या है। ब्रो व्हाट इज दैट, ग्लासगो क्वीन स्ट्रीट? दैट्स द मेन सेंट्रल रेलवे स्टेशन फॉर ग्लासगो सिटी, इट्स कॉल्ड क्वीन स्ट्रीट। यूनिवर्सिटी ऑफ स्ट्रैथक्लाइड, कौन सा है? स्ट्रैथक्लाइड। यूनिवर्सिटी ऑफ स्ट्रैथक्लाइड से आए और इसी यूनिवर्सिटी से त्रिकाल ने मास्टर्स किया है। थोड़ा चल के ऊपर आए हम लोग, उस ब्रिज से हम लोग अभी ऊपर आए। कोई आइकॉनिक स्पॉट है यहाँ पे? अभी हम ग्लासगो नेक्रोपोलिस के हिल पे है। ये एक वॉर हीरोज का सिमेंट्री है ग्लासगो का। तो हम लोग बहुत नीचे से अभी इधर तक पहुंचे हैं। तो भाई अभी जो व्यू आपने देखा ऊपर से, वो उस जगह पे था, हम लोग उधर तक गए थे। ये अभी आगे का क्या प्लान है? आगे का प्लान है हम लोग जा रहे हैं 7 Lock Lake, एक वेटलैंड प्रोटेक्टेड रिजर्वायर में लेक है 7 Lock, तो हम वो देखने जा रहे हैं अभी। ये सिटी का सबसे पुराना और सबसे बड़ा हॉस्पिटल है और म्यूनिसिपल हॉस्पिटल, और आप देख सकते हो। ये देख के तो सबसे पहले मुझे अपने बरेल वाले KEM हॉस्पिटल की याद आ रही है, वो लोग वो भी इन लोगों ने ही बनाया था।
लोग अभी लेक की तरफ आ चुके हैं और व्यू एकदम अमेजिंग है भाई, एकदम पीसफुल लग रहा है। अटैक कर दे यार। अरे भाई मारेला लेगा गेली गेली बस बस इतना नहीं। लेक के बाद हम लोग इधर आए हैं दूसरे आइकॉनिक स्पॉट पे, यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो भाई, तो कुछ स्पेशलिटी जहाँ पे हैरी पॉटर का शूटिंग हुआ था, हम वो सेट देखने आए यहाँ पर। ओके इंटरेस्टिंग, देखते हैं कैसे होगा भाई। तो गाइज अभी हम लोग पहुंच गए हैं बीएमसी ऑफिस पे। नहीं भाई ये है यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो, यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो में हम, और काफी सुंदर है, क्या स्ट्रक्चर है, सरप्राइज हो जाता है। अभी हम अंदर जा रहे हैं यूनिवर्सिटी के, और हैरी पॉटर का जो सेट है उसका आर्किटेक्चरल डिजाइन हम असिस्ट करने के लिए जा रहे हैं बस अंदर। ओके एक बार वो कुछ मार्वलस चीज विटनेस करने के लिए सबसे पहली बार जा रहे हैं। शाम के 7 बज रहे हैं और इसके बाद का क्या प्लान है भाई? इसके बाद हम लोग शायद हिंदू टेंपल जाने वाले हैं, यहाँ पे एक हिंदू मंदिर है, तो वो देखने के बाद वहाँ से सीधा मेरे हॉस्टल में और फिर नाइट लाइफ एंजॉय करने ग्लासगो के सिटी सेंटर में। ग्लासगो के सिटी सेंटर में भाई इतनी ठंडी है और मैं उस हिसाब से कपड़े पहन के नहीं आया हूँ, ये पतला सा जैकेट है। और यहाँ पे डरहम और लंदन के हिसाब से काफ़ी ठंडी है क्योंकि ये नॉर्थ में आता है और ठंडी से ज़्यादा यहाँ पे ब्रीज काफ़ी फ्रीक्वेंटली आता है, मतलब यहाँ पे हवाएं बहुत चलती है और वो भी उसकी वजह से ज़्यादा ठंड लगती है। तो चलिए अभी जाते हैं हिंदू मंदिर और वहाँ पे क्या यूनिक देखने मिलता है वो आप सभी को मैं दिखाते रहूँगा। सी यू। को 8 बजे भी देखो इतना उजाला है, अभी स्प्रिंग स्टार्ट हो चुका है तो मई में सबसे बड़ा दिन होगा बराबर, और दिसंबर में सबसे छोटा दिन। तो फाइनली मंदिर पहुंच चुके हैं अभी 8:30 बजे, अभी बाहर से मंदिर तो बिल्कुल नहीं लग रहा, अभी अंदर जाके देखते हैं हिंदू मंदिर। एकदम वार्म फील आ रहा है क्या? जो घटनाएं घटी थी वो है अक्टूबर के महीने में, मुश्किलें में करते रहे साल में, और हमारे तो दो दो बार मनाते हैं क्योंकि कली युग है, एक बार में नहीं होगा। तो एक तो ये है हमारा हॉस्टल सेफ स्टे ग्लासगो सिटी, सेफ स्टे का ये एक ही है ना पूरे ग्लासगो में, तो इधर रुके हम लोग भाई, मतलब मैं इधर रुका हूँ। A few moments later.
9 o'clock इन द इवनिंग और अभी हम लोग फिश एंड चिप्स खाने जा रहे हैं। जैसे कि सुबह डिसाइड हुआ था कि फिश एंड चिप्स ट्राई करना है यहाँ पे, ठंड क्या कुछ कम नहीं होती। अभी थोड़ी देर के लिए मैंने हॉल्ट लिया था मेरे रूम पे, थोड़ा अच्छा फील हो रहा था। तो बारिश वापस शुरू हो चुकी है। तो भाई इधर का मौसम एकदम रैंडम है, कभी भी कुछ भी, बारिश, हवा, सनी वेदर, कुछ भी कभी भी हो जाता है। तो अभी दिखा दो आपको फिश एंड चिप्स का कॉन्सेप्ट कैसे है इधर। तो देख लो भाई यहाँ के नाइट लाइफ, ये इस रोड पे सारे क्लब्स ही है। यहाँ पे ग्लासगो में ब्लू लगून करके एक क्या बोलते हैं उसको, फूड चेन है जैसे कि मैकडॉनल्ड्स वगैरह, और यहाँ पे फिश एंड चिप्स बहुत फेमस है। तो देखिए वहाँ पे लिखा ट्रेडिशनल फिश एंड चिप्स, तो यहीं पे हम लोग ट्राई कर सकते हैं, देखते हैं, मोस्ट प्रोबेबली इधर ही आएंगे। तो यहाँ पे हर रेस्टोरेंट के बाहर ही मेन्यू आपको मिल जाएगा, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। बाहर से देखो और फिर अंदर जाओ। हम खा रहे हैं अभी, ट्राई कर रहे हैं फिश एंड चिप्स फॉर द फर्स्ट टाइम। भाई इधर मस्त स्ट्रीट फूड बोलते हैं ना, वैसे हम लोग अभी स्ट्रीट पे इधर का स्पेशलिटी फिश एंड चिप्स खाने जा रहे हैं। टेस्ट करके देखते हैं कि कैसा है भाई। तो टाकते हैं चल। हेलो एवरीवन, अभी रात के कुछ 10:30-11 बज रहे और बहुत मज़ा आया आज का दिन भाई, पूरा ग्लास्को सिटी देख लिया और फिश एंड चिप्स भी खा ली है। और फिश एंड चिप्स का पोर्शन इतना था कि हमको 20% फेंकना पड़ा। हाँ भाई बहुत बड़ा था, इतना ज़्यादा खाता नहीं एक टाइम पे। लेकिन जितना लोग बोल रहे थे कि ओवर हाइप्ड है वगैरह, हाँ ओवर हाइप्ड तो है लेकिन बुरा नहीं था टेस्ट में, बुरा नहीं था टेस्ट में, अच्छा था। तो कल का दिन हम लोग जाने वाले एडिनबरा, वो भी सुबह 8 बजे की बस है, तो बुकिंग्स वगैरह सब कर दिए है निकालिए। तो अभी कल के दिन, कल का ब्लॉग कल कंटिन्यू करते हैं, आज यहीं पे समाप्त करते हैं। कल मिलते हैं सुबह 8 बजे एट एग्जैक्टली बुकानन बस स्टेशन। ठीक है, बुकानन बस स्टेशन। तो आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक करके जाना एंड सब्सक्राइब करो यार। सब्सक्राइब नहीं कर रही पब्लिक, सब्सक्राइब करो यार। ठीक है, अभी कल मिलते हैं एंड टिल देन टेक केयर एंड जय हिंद।